यार बड़ा टेंशन हो रहा है। टेंशन इसलिए हो रहा है कि ऑटो में बैठते हैं जब भी तो मेरे फेफड़े में पूरा का पूरा घुस जाता है वो डीजल और पेट्रोल का महक। और यार पूछो मत, हम इसलिए बाहर नहीं जाना चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये भी है, मेरे से बाहर का कोई भी महक बर्दाश्त नहीं हो पाता। एक तो गर्मी, क्राउड। हेलो, नमस्कार, सॉरी, फिर से ओवर एक्टिंग हो गया, सॉरी। ओके, हेलो नमस्कार, मैं सुकृति पांडे और मेरे चैनल सुकृति पांडे पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। रोटी है या चावल? रोटी ही खा के जाते हैं, ठीक ना? और थोड़ा बहुत लेट हुआ उधर, शायद 1-2 बज जाए। लंच मत देना। खा लेंगे ना कुछ वहीं पे, कॉलेज के पास ही खा लेंगे। कुछ पैसा दे देना एक्स्ट्रा, ठीक? लगा सकती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम 2 रोटी खाएंगे, उससे ज़्यादा मत देना। और हमको जानती हो, ऑटो में बैठा बाबा जी को दूध च्यवनप्राश दे दो, टाइम हो गया उनका। माँ, दोनों सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आलू बैगन वाला ये बहुत टेस्टी है और ये कोपल वाला भी एक नंबर बना है। आ जा रहे हैं फुआ फूफा, बहुत टेस्टी खाना बना। वोमिटिंग का डर होता है हमको। पूजा पाठ सारा कुछ हो चुका है और हम नाश्ता भी कर चुके हैं। आज हम कोई काम नहीं किए हैं, सारा नाश्ता खाना सब मम्मी बनाई है। मेरे घर आज गेस्ट भी आने वाले, तो आप लोग को लग रहा होगा कि हम इतने रेडी सेडी होकर क्यों बैठे हुए हैं। तो रेडी सेडी होकर नहीं बैठे हैं, हम अपना यूनिफॉर्म जला चुके हैं, आयरन करने बैठे थे। मेरा यूनिफॉर्म पूरी तरह से जल गया, इस साइड का पूरा जल गया, तो आज हमको ये पहन कर जाना पड़ रहा है। और कॉलेज जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ऐसा काम है जिस वजह से अचानक से नोटिस आया कि कॉलेज जाना ज़रूरी है, तो जा रहे हैं कॉलेज। तो ऐसे तो जनरली हम बाहर कुछ खाते नहीं हैं जल्दी। मतलब आजकल की लड़कियों के बारे में आप सुनते होंगे कि बाहर का खाने को बहुत रेडी रहती है, हम बाहर खाने को उतना रेडी नहीं रहते हैं। बहुत ऐसा कभी हुआ कि भूख लग गया, लेट से बाहर है तो खा लेते हैं, लेकिन आज तो सोच कर जा रहे बाहर खाने वाले हैं खाना, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, फुचका फुचका पूरा खा कर। और यूज़ टू नहीं है ऑटो वगैरह पर बैठने के लिए हम, तो जब भी ऑटो पर बैठते हैं बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है हमको बहुत। अगर वोमिटिंग नहीं हुआ तो फिर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि कुछ अटका रह गया है और बहुत तबीयत ख़राब होता है। एक तो ये जो डीजल पेट्रोल वगैरह का जो महक होता है, ऊपर से इतना क्राउड रहता है, तो उस वजह से लगता है कि फेफड़ा में घुस चुका है, मेरे फेफड़ा में घुस चुका है ऐसा सारे का सारा महक। और रहते हैं, पूरा नहा भी लेते हैं, परफ्यूम तक मार लेते हैं कि शायद महक खत्म हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन तक मेरे फेफड़ा में घुसा हुआ रहता है वो पेट्रोल और डीजल का महक। तो सबसे बड़ा टेंशन यही हो रहा है हमको कि हम बाहर जाएंगे तो फिर आएंगे तो क्या होने वाला है। आप लोग जब उधर से आएंगे तो मेरा ब्लॉग देख, तो हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है कॉलेज जाने का। अरे फ्रेंड भी निकल चुकी है, सब कॉल कर रही है, जल्दी निकलो सुकृति, तुम बहुत लेट कर रही हो, तो चलते हैं जब उधर से आएंगे। जल्दीबाजी में हम पासबुक लेना भूल गए, वापस घर पे आए हैं लौट के और पासबुक लिए हैं। मम्मी पैसा दो ना, पैसा दो, जा रहे, लेट हो रहा है, मेरी सारी फ्रेंड निकल, 100-150 तक दे दो ना, और कुछ चेंज दे देना ऑटो वाले को देने के लिए। पापा जी जा रहे हैं, जा रहे मम्मी, ठीक, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत एक्सेस जाम था, दिमाग खराब हो गया। अभी मेन तो ये जो पुल पे चढ़ने वाला रास्ता आता है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए, तो लग रहा है कहीं गांव में आ गए हैं ऐसा फील हो रहा है। पर गांव इतना गंदा नहीं होता है जितना गंदा यहाँ का एरिया है।
गांव बहुत खूबसूरत होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है, क्लाइमेट बहुत सही होता है वहाँ का। अभी मेरा मेन स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हम। महावीर मंदिर, ये हुआ हमारा न्यू मार्केट का रास्ता। पर हमको जाना है जीपीओ, तो जीपीओ की ओर हम जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कड़ा धूप है और हम स्टेशन पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है। अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, उसके साथ ही यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे कॉलेज के लिए, बस उसी का वेट कर रहे हैं। पता नहीं कब आएगी, बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं हम। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है यार। ऑटो वाला हमको पैसा ज़्यादा दे दिया, हम तो पूरा खुश हो गए कि आज तो पैसा ज़्यादा मिल गया। हमको रुकवा कर मेरे हाथ से पैसा छीन लिया, वो बहुत दुख हुआ है हमको। रुकवा कर बोलता है कि पैसा दीजिए, ज़्यादा दे दिए हैं। बस हम कॉलेज तो पहुँच चुके हैं, अब एंट्री करने वाले हैं। अब आप लोग इसी तरह से हमारा आज एक भी काम नहीं हुआ, पता नहीं किसका शक्ल देखे निकले थे हम। तो लास्टली वीडियो कॉल पे बात किए थे मोटी से, शायद आज उसका शक्ल मेरा सारा काम बिगाड़ के रख दिया है। अब वापस फिर आना पड़ेगा मुंह उठा के कॉलेज। घर आए अभी, अभी टाइम हो रहा है 4:10, हम गए थे 11 बजे, और तो अगर देखा जाए तो 5 घंटे के करीब हमको कॉलेज में लग गया। तो हम अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह होते, आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, 5 घंटे के करीब। सॉरी, फिर से ये लाइट आ रहा है यार, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा काम हो गया और मेरी फ्रेंड लोगों का थोड़ा सा काम बच गया है, तो वो लोग अब शायद जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे लिए काफ़ी दूर पड़ जाता है कॉलेज, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। तो अभी आए हैं क्योंकि हम उधर से खाना खा कर आए थे, तो मेरा अभी खाने का मन नहीं था, मतलब खाना नहीं खा कर आए थे, कुछ थोड़ा मोड़ा खाते खाते बहुत ज़्यादा हो गया था, पेट भरा हुआ था मेरा। तो बस आए से हमको नहीं पता था कि मेरी मम्मी मेरे लिए भूखी थी, वो इंतज़ार में थी कि जब हम आएंगे तो साथ में खाएगी। तो हम मम्मी से बोले भी कि माँ तुम पहले हमको अगर बताती तो हम तुमको बोल देते ना कि हम खा कर आ रहे हैं, तुम खाना खा लो। तो अभी वो खाना खाई है, मीन्स वो 4:30 के करीब वो खाना खाई है, इतने देर तक वो भूखी रह गई थी। बहुत अजीब सा लगा हमको ये जानकर। डिफिकल्ट है यार, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक लड़की के लिए ऐसे रोड पर, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की बाहर जा रही है, और रोड पर इतना ज़्यादा क्राउड है, तरह तरह के लोग रहते हैं, और कैमरा ऑन करके और वीडियो शूट करना, सारा कुछ बताना भी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत जगह थोड़ा एनर्जेटिक सिचुएशन हो जाता है, समझ नहीं आता है। तो चलो, ये मेरा पैसन है, यूट्यूबर बनने का पैसन बहुत पहले से है मेरे में, पर ये किसी ना किसी वजह से बार बार बीच में रुकता है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब जो हो यार छोड़ो, करेंगे तभी तो आदत लगेगा ना बनाने का। बहुत जितना हो सका हम किए हैं, क्योंकि लोग इतना अजीब से देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। से एक लड़की घर से बाहर निकली और ये सब करना स्टार्ट की, घर में भी रहकर काफ़ी कुछ अकेले करना, बहुत अगर आप लोग समझ रहे होगे मेरे एफर्ट को तो ज़रूर सपोर्ट करना।
और जैसा कि हम आप लोग को बोले थे कि पक्का आएंगे तो मेरा तबीयत ख़राब होगा, अभी अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है यार, 10:24 हो रहा है रात का। कॉलेज से आकर तुरंत ही सो गए थे और काम जो करवाने गए थे उसमें से हुआ है काम, लेकिन एक काम नहीं हो पाया, शायद स्कॉलरशिप का वो फॉर्म भराने के लिए आया हुआ था, तो मेरा जनरल कैटेगरी में पड़ता है तो मेरा फॉर्म नहीं भराया, लेकिन जितना हो सकता था वो काम मेरा हो गया। लाइक आइडेंटिटी कार्ड हमको लेना था वो ले लिए, मार्कशीट का काम नहीं हो पाया, मार्कशीट के लिए ही बाद में जाना है, तो वो सब नेक्स्ट मंथ में होगा मार्कशीट वाला काम, और स्कॉलरशिप का काम मेरी फ्रेंड लोग का हो गया। तो आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, दवा खाकर ही हम सोए थे शाम में जब उधर से आए थे तो, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है, सर में बहुत ज़्यादा पेन है, ये पूरा बैक में भी इधर इधर पेन हो रहा है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसी तरीके से प्यार बनाए रखो, आप लोग भी सेफ रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो और मेरे साथ बने रहो। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।